तो आइए इससे अगली प्रॉब्लम और लेते हैं। इसमें बोल रहा है हमसे, अ कार इज रनिंग अवे फ्रॉम अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक इस तरह से स्ट्रेट रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है और वो लड़के से क्या कर रहे हैं, दूर जा रही है। मान लीजिए लड़का यहाँ पर है, द कार इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। जो कार की स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। वेन कार इज एट अ डिस्टेंस एक्स नॉट, जब कार किसी डिस्टेंस एक्स नॉट पर होती है, मान लीजिए इससे दूर जा रही है और इस डिस्टेंस पर आ गई, एक्स नॉट डिस्टेंस पर आ गई, ठीक है, ही थ्रोज अ बॉल एट अ वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल की वेलोसिटी होगी, ठीक है, कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड के साथ वो बॉल को फेंकेगा, ठीक है, और कितना एंगल बनाएगी वो बॉल, 37 डिग्री एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ। द बॉल हिट्स द कार, बॉल कार को हिट करती है, फाइंड एक्स नॉट। तो हमको एक्स नॉट के बारे में बताना है। लड़का यहां पे है, कार यहां पर है, तो उनके बीच का कुछ ना कुछ गैप है, ठीक है। जैसे ही वो इस गैप पर पहुंचती है, कार इस लड़के से इस गैप में पहुंचेगी, इस डिस्टेंस पर पहुंचेगी, लड़का यहां से क्या करेगा, बॉल को फेंकेगा। अब लड़का जब यहां से बॉल को फेंकेगा, ठीक है, तो वो बॉल कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए कार क्या होगी, कार अपना जो है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस तरह से, ठीक है, और यहां पर जाकर क्या है, टकरा जाएगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, लड़के की और कार की सॉरी हाइट को नेगलेक्ट कर देना है। तो हमको बताना है कि जो इनके बीच का ये वाला पहला गैप था एक्स नॉट, वो गैप कितना था, इसके बारे में हमको बताना है। सीधी सी बात है, देखो कार रनिंग कंडीशन में है, लड़का यहाँ पर है, जब इस डिस्टेंस पर पहुंच जाएगी एक्स नॉट, ठीक है, पहले मान लीजिए कार यहाँ पे थी, ठीक है, फिर कार चलते 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 कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर एक्स नॉट पर, और जब एक्स नॉट पर पहुंच गई तब इसने क्या किया, उसको बॉल को फेंका। अब बॉल को फेंका तो अब अगर मान लीजिए वो यहाँ पे फेंकता बॉल को कि इतनी वेलोसिटी के साथ कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पे बनता, यहाँ पे, तो गाड़ी तो आगे निकल जाती, ठीक है, तो इसने क्या किया, कुछ स्पीड और कुछ एंगल के साथ फेंका कि यहाँ पर जाकर है कार जो है बॉल को हिट कर गई। तो हमको ये वाला जो है डिस्टेंस हमको बताना है कि ये वाला एक्स नॉट कितना डिस्टेंस है, ठीक है। देखो अब यहां से उसने बॉल को फेंका कितने एंगल के साथ, 37 डिग्री के साथ, और बॉल की स्पीड दे रखी है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है, ये इसकी क्या होगी रेंज, और रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब थीटा कितना दे रखा है, 37 डिग्री, तो इसको ना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, एंगल कितना है, 37 डिग्री है, तो वही ट्रायंगल बनाते हैं दोबारा से, ये वाला 37 मान लेते हैं, ये वाला 53, ये वाला 90, अगर ये 37 है तो इसके सामने 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो sin 37 की वैल्यू निकालते हैं, sin 37, सो sin 37 इज साइन बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 3/5, और cos 37 cos बराबर 4/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, इसने बोला नहीं है लेकिन फिर भी हम कितने लेंगे, सीधा 10, ठीक
टू को ऐसे रहने देते हैं, और यू, यू क्या है इसकी, जो बॉल की जो है किस स्पीड के साथ वो फेंकेगा, वो क्या है 20। तो 20 और 20, 20 मल्टीप्लाई में 20 कितना हो गया 400। सो ये हो गए 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 5 8 40 और 8 2 16, ठीक है, 16 3 48, 48 4 कितने होते हैं, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा cos थीटा ओवर ये, ठीक है। अगला 8 2 16, सॉरी 48 गुना 4 बटे 5। अब 48 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 32 3 192, ठीक है। अब 192 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 3 15, ठीक है भाई, 5 8 40 और 5 4 20। ये जो इसका रेंज आएगी, रेंज कितनी आएगी, 38.4। तो यहां से यहां तक जो रेंज होगी, या फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 38.4 का, ठीक है, ये वाला 38.4 का डिस्टेंस होगा। तो इस 38.4 डिस्टेंस को हम इक्वल कर देंगे एक्स प्लस एक्स नॉट के, ठीक है, तो कितना होगा, हुआ एक्स प्लस एक्स नॉट कितना हो गया 38.4। अब हमको निकालना है एक्स नॉट, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 38.4 माइनस एक्स। अगर मैं इस एक्स को निकाल दूं, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूं, तो हमको क्या है एक्स नॉट मिल जाएगा। तो उसके लिए हमको ये एक्स चाहिए। अब देखो, जब ये इस पॉइंट पे है गाड़ी, ठीक, कार इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पे आते ही उसने क्या किया, पत्थर बॉल को फेंका, तो बॉल को जितना टाइम यहां से और यहां पर आने में लगेगा, उतना ही टाइम कार को यहां से और यहां पर आने में लगेगा। तो टाइम दोनों के लिए सेम हो जाएगा, जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा उतना ही टाइम बॉल को यहां से और यहां तक आने में लगेगा, ठीक है। अगर मैं टाइम निकाल लूं, यहां से और यहां तक का टाइम अगर मैं निकाल लूं, कार को यहां से और यहां तक आने में कितना टाइम लगा, जो कि टाइम बराबर होगा बॉल को यहां से और यहां तक आने में, तो टाइम इज इक्वल टू एक्स ओवर इसकी स्पीड, किसकी, कार की, ठीक है, कार की स्पीड क्या दे रखी है 6, ठीक है। अब मुझे निकालना है बस टाइम। अब जो ये वाला टाइम है ना, यहां से और यहां तक जो कार को आने में जो टाइम लगेगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये वाला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारे पास 2u sin थीटा ओवर जी, ठीक है, जी को 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा यानी कि कितना एंगल, 37, साइन 37 3/5, ये हो गया 3/5। और यू इनिशियल जो वेलोसिटी है, अब यहां पर इनिशियल जो वेलोसिटी लेंगे हम किसकी, अब टाइम निकाल रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल से, तो बॉल की इनिशियल स्पीड लेंगे, और बॉल की इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है 20। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन टाइम निकाल किसी मदद से रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं हम इस वाले प्रोजेक्टाइल की मदद से, वो प्रोजेक्टाइल बन किसकी मदद से रहा है, बॉल की मदद से, ठीक है, तो हम बॉल की इनिशियल स्पीड लेंगे। अब इससे इसको हटा देते हैं, 2 दिन 4 3 12 बटे 5, ठीक है, 5 2 10 और 5 4 20, तो 2.4 सेकेंड का उसको टाइम लगेगा। अब 2.4 सेकेंड को यहां पर पुट कर देते हैं, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू एक्स, इसको हटाकर यहां पे कर देते हैं, 2 5 10 2 3 6, तो ये हो गया 72.4
फाइव, पांच एकम पांच, ठीक है, बचे दो, पांच चौक बीस, और फिर दोबारा से पांच चौक बीस, फिर बचे दो, 72, पांच एकम पांच, पांच चौक बीस, फिर 14.4, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट कितना होगा, एक्स नॉट होगा 14.4 मीटर। तो इतना जो है डिस्टेंस होगा उनका पहले जब वो इस पॉइंट पर था, गाड़ी इस पॉइंट पर थी, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 14.4 मीटर। जैसे ही वो कार लड़के से 14.4 मीटर दूर आएगी, वो लड़का क्या करेगा, पत्थर को फेंकेगा, और पत्थर सॉरी बॉल को फेंकेगा, और बॉल क्या करेगी, यहां पर आकर उसको जो है हिट करेगी। सॉरी यार, ये वाला एक्स नॉट निकला, ये एक्स निकला है, 14.4 ये निकाला है ना हमने अभी, तो टोटल कितना है हमारे पास, उसको निकाल देते हैं। एक्स कितना आ गया, 14.4 प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 38.4, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 38.4 माइनस 14.4, तो कितना आ गया, 24 मीटर, ठीक है। तो उसको जो है जब ये वाला डिस्टेंस 24 मीटर होगा, तब वो क्या करेगा, बॉल को हिट करेगा। सॉरी यार, उसमें ना कैलकुलेशन में गलती होगी, ये वाला जो है 14.4, ये वाला डिस्टेंस निकला था, एक्स निकला था, ठीक है, तो वो आप तो देख सकते हो, इतना तो जानते हो आप।